ऐसे पागलों की क्रिया करने से अगर ऐसे कुछ होता तो तुम ये भर के बॉडीबिल्डर नहीं बन जाते। तो दिमाग का खेल है सारा, दिमाग होना चाहिए। कभी भी पैर सीधे मत कर देना, सीधे करते हो तो गोडे अंदर की तरफ टूट जाएगा। तो राम राम सभी भाइयों को। जैसे कि आप जानते हो कि अपनी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ एक बच रही है हमारी लेग की। तो लेग की में अपना ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको वार्म अप करने हैं। वार्म अप में आप स्क्वैट्स लगा सकते हो। स्क्वैट्स में बेसिकली होता क्या है कि आप ना गलत लगाते हो पोस्चर। पोस्चर होना चाहिए बिल्कुल सही। दिखाता हूँ लोग क्या करते हैं, ऐसे लगाते हैं। ये पोस्चर बहुत गलत है। एक बार मेरे आप करना क्या है कि ये ना जो आपके गोटे हैं तुम्हारी इनसे बाहर नहीं होनी चाहिए, ऐसे बाहर नहीं जाने चाहिए। सिंपल ऐसे भाई जब हम लगाने स्क्वेयर्स रोड के साथ, तो रोड के साथ अगर आपसे नहीं लगता थोड़ा डंबल ऊपर लेके स्क्वैट लगाने का रोड के साथ आप कर सकते हो तो सबसे बेटर वो ही है, चाहे खाली रोड हो। अब इसमें भी सेम जैसे हम स्क्वैट्स लगाते हैं वैसे लगाने हैं। गोडे, ये गोडे नीचे बाहर नहीं जाने चाहिए, काफी ऐसे बाहर नहीं जाने चाहिए, बिल्कुल सीधे आने चाहिए। तो गाइस अब हमको लगाना है लेग प्रेस। लेग प्रेस में ज़्यादा हैवी वेट में तो लगाना कि यहाँ पे दिखाने के लिए अभी 200 किलो लगा रहा किसी ने, 210 किलो अपना नॉर्मल वेट जितना तुम खा सकते हो इतना लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना। बेसिकली इसमें करना ये है कि अपने लेग को ज़्यादा वाइड ना करके मीडियम, तुम्हारी बेंच ना काफ़ी की बड़ी होती है तो बड़े की तरह ज़्यादा खोलना मत, नॉर्मल जितने तुम्हारे शोल्डर है इतने खोल लेना। अच्छी तरह ऊपर आओ, कभी भी पैर सीधे मत कर देना, सीधे करते हो तो गोडे अपने की तरफ टूट जाएगा। अगर हैवी वेट लगाओगे तो बेसिकली अपने हिप्स को इस पे भिड़ा के जो तुम्हारे गोडे हैं इस चेस्ट तक आने चाहिए जब आप लगाना है। कई कई लोग क्या करते हैं, कुछ फायदा नहीं होने का, रेंज ऑफ मोशन समझो, रेंज ऑफ मोशन तो पूरा का तो पूरा सेट लगाओ, आधा नहीं पूरा नीचे तक आओ और ऊपर तक जाओ। तो एक तो एक्सरसाइज में हमें हमारी मसल्स फटेगी तो कुछ ग्रो होगा। अगर ऐसे पागलों की क्रिया करने से अगर ऐसे कुछ होता तो दुनिया भर के मोटिवेशन भी बन जाते हैं। तो दिमाग का खेल है सारा, दिमाग होना चाहिए, दिमाग के साथ करो। तो अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेग एक्सटेंशन। बेसिकली इसमें लोग इसमें भी काफ़ी गलती करते हैं, ये पैर को सिर्फ इतना लाते हैं है ना, ये सिर्फ उस तरह वो हमें उसको पूरा ऊपर उठाना पड़ेगा ऐसे, बिल्कुल पैर स्ट्रेट होने चाहिए ताकि ठीक का सर पड़े और ज़्यादा नीचे भी छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ढीला नहीं छोड़ना, हल्का सा उठाए रखना है, स्ट्रेट रखना है, स्ट्रेट। तो इसके बाद जो अपनी अगली एक्सरसाइज आती है वो है अपनी लेग कर्ल। इसमें बेसिकली करना ये है कि इसको ऐसे उल्टे लेट जाना है। कईयों की जिम में ये चीज़ अलग टाइप की होती है किसी की जिम में, पर बेसिकली करना ये है कि अपनी हिप को थोड़ा साफ करके पैरों को इतना फोल्ड करें, आराम आराम से करें, ज़्यादा जल्दी भी नहीं, आराम आराम से नीचे जाए, आराम आराम से ऊपर आए। तो जितनी भी एक्सरसाइज बताई है तो सबके 8, 10, 12, 15 रैप लगाने हैं।
उसके बाद चलते हैं अपनी लास्ट रिकॉर्ड की तरफ, वो है कॉप्स कॉफ रेसेस। तो इसमें कर रहे हैं ना, वेट लगा सकते तो लगा लेना, पूरा ऊपर जाना है, पूरा नीचे आना है, इतना इतना नहीं होना, पूरा ऊपर ताकि ये खींचे, पूरा नीचे। तो आज की वीडियो यहीं पे होती है समाप्त। तो अब मेरे को भी काफ़ी टाइम हो चुका है, 2 महीने हो चुके हैं इनकी सीरीज़ फॉलो करते करते। पहले मैंने उन पर ट्राई करा था, मैं पहले की फ़ोटो और अब की फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो में गाइड के साथ बता दूंगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी बढ़िया तरीके से जो फॉर्म जो गलती करते कॉमेंट सेक्शन में बताएं, और जो भी कोई दिक्कत होगी आगे जाके मैं सब चीज़ बताऊँगा उसमें। बस सपोर्ट करो, लाइक करो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।